हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं किंगडम एनिमालिया का एक ऐसा फाइलम जो सबसे छोटा फाइलम है। किंगडम एनिमालिया में जितने भी फाइलम्स हैं उनमें सबसे छोटा फाइलम है टिनोफोरा। सबसे छोटा फाइलम और जिसके स्पीसीज, जिसके मेंबर सबसे अधिक खूबसूरत हैं, सबसे अधिक ब्यूटीफुल एनिमल्स जो इस दुनिया में हैं वो इसी फाइलम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसका नाम है टिनोफोरा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिम्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमें 11 फाइलम्स के बारे में टोटल पढ़ना था। 11 फाइलम्स में सबसे पहला फाइलम क्या था हमारा? पोडीफेरा, सिलिनक्राटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। दीज आर द 11 फाइलम्स वी हैव टू स्टडी। हमें इन 11 फाइलम्स को स्टडी करना था और आज हम लोग अपना तीसरा फाइलम स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है टिनोफोरा। हमने पोडीफेरा पढ़ लिया, हमने सिलिनक्राटा पढ़ लिया या निडेरिया जिसे कहते हैं, निडेरिया पढ़ लिया, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टिनोफोरा। तो आप ये बात सबसे पहले याद रखिएगा कि टिनोफोरा किंगडम एनिमालिया का सबसे छोटा फाइलम है, जिसके अंदर स्पीसीज का नंबर बहुत कम है। इवन 100 के आसपास स्पीसीज है इस फाइलम में, मात्र 100 के आसपास। यानी स्पीसीज की संख्या इस फाइलम के अंदर बहुत कम है, छोटा सा फाइलम है, लेकिन इसके जो भी स्पीसीज हैं वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। और क्यों सुंदर होते हैं वो हम इसके करैक्टरिस्टिक को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। लेकिन आप याद रखो कि दुनिया के सबसे खूबसूरत एनिमल्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत एनिमल्स किस फाइलम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप आंसर दोगे टिनोफोरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम किसी भी फाइलम को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है कि उसका नाम वही क्यों है। जैसे पोडीफेरा का नाम पोडीफेरा क्यों था? क्योंकि उसके जो मेंबर्स थे उसके बॉडी के ऊपर पोर्स थे। सिलिनक्राटा का नाम सिलिनक्राटा क्यों था? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एक सेंट्रल कैविटी था जो गट की तरह वर्क करता था, जिसे हम सिलिनट्रॉन कहते थे, उसी से सिलिनक्राटा आया था। या निडेरिया इसलिए था क्योंकि निडोब्लास्ट सेल्स थे उसके पास, याद होगा। तो सवाल उठता है कि इनको टिनोफोरा क्यों कहा गया? तो देखिए, ये टिनोफोरा नाम इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पास कॉम्ब प्लेट्स हैं। इनके पास क्या है? कॉम्ब प्लेट्स हैं। कॉम्ब प्लेट्स होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? टिनोफोरा कहते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, दिस फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स हैविंग सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ये क्या होता है? कॉम्ब प्लेट्स आप समझिए, जो एनिमल होता है उसके बॉडी से नीचे की तरफ, यानी कि जो मान लो कि यहां एनिमल है तो उसके नीचे की तरफ आठ बड़े 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 से स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, जिसे हम कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। तो 8 लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। अगर आप इसके डायग्राम को देखोगे, अगर आप टिनोफोरा के डायग्राम को देखोगे, जो कि जब लेक्चर शुरू हुआ होगा तो शुरू शुरू में जहां पर आपको इंट्रोडक्शन लिखा हो वहां एक टिनोफोरा का डायग्राम आप देख लीजिए दिया हुआ है, तो उसके बॉडी में आप देखिएगा ऐसे ऐसे करके आठ ऐसे प्लेट्स निकले हुए होते हैं बॉडी के ऊपर, जिसे हम कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। अगर इसका आप डायग्राम देखे होंगे, इसका डायग्राम अगर आप देखिएगा तो उसके ऐसे ऐसे प्लेट्स ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं, आठ ऐसे निकले होते हैं, आप देखोगे ऐसे निकले हुए होते हैं। तो ऐसा देखने में होता है, ये जो प्लेट्स निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ, इसी को कहते हैं कॉम्ब प्लेट्स। क्या कहते हैं? कॉम्ब प्लेट्स। तो इसीलिए इनके पास चूंकि कॉम्ब प्लेट्स है, और कॉम्ब का देखिए, कॉम्ब को ग्रीक भाषा में स्टीन कहते हैं, सी टी ई एन ई, ये होता है कॉम्ब के लिए। और फोरा मतलब होता है बियरर, फोरा मतलब होता है बियरर, यानी जिसके पास वो है। और सिटीन मतलब होता है क्या? कॉम्ब। सिटीन मतलब क्या होता है? कॉम्ब। तो इनके पास कॉम्ब जैसा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं टिनोफोरा। तो टिनोफोरा इसका नाम क्यों है, समझ में आया? क्योंकि इनके जो भी मेंबर्स हैं, आपसे कोई पूछे कि टिनोफोरा फाइलम का नाम टिनोफोरा ही क्यों है, तो आप आंसर दोगे क्योंकि इनके पास कॉम्ब प्लेट्स हैं। और कितने कॉम्ब प्लेट्स हैं? 8 रोज हैं, 8 रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स हैं। आप याद रख लो, ये ज्यादा दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट याद करो, कुछ तो मेमोरी भी होना चाहिए। तो याद रख लो कि टिनोफोरा के जितने भी मेंबर्स हैं उसके बॉडी के बाहर एक्सटर्नल में 8 रोज सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं, और इन्हीं कॉम्ब प्लेट्स की वजह से इन्हें टिनोफोरा कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इसका जो कॉमन नेम होता है, जैसे कि जो पोडीफेरा के का कॉमन नेम क्या होता था? स्पॉन्जेज होता था। वैसे इनके जो इनका जो कॉमन नेम है वह है कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट्स, सी गूसबेरीज। दीज आर द 3 कॉमन नेम्स ऑफ स्पीसीज ऑफ टिनोफोरा। क्या क्या? कॉम्ब जेलीज। क्यों कॉम्ब जेलीज? क्योंकि उनसे कॉम्प्लेक्स निकले हुए, इसलिए कॉम्ब जेलीज। या सी वॉलनट्स, वॉलनट आप जानते हो अखरोट, तो
सी वॉलनट्स, वो उसके सेप की वजह से, या गूसबेरीज, गूसबेरीज भी एक फल है तो उसके भी सेप की वजह से इन्हें या तो सी वॉलनट्स कहा जाता है या सी गूसबेरीज कही जाती है, गूसबेरीज कहा जाता है। और कॉम्ब जेलीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास कॉम्प्लेट्स होता है। तो कोई आपसे पूछे कि सिलेंट्राटा के स्पीसीज का कॉमन नेम क्या है, तो आप तीन नाम याद रखोगे, कौन कौन, कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट्स एंड सी गूसबेरीज या गूसबेरीज। आई होप आपको याद आ गया होगा, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पे बात करना शुरू करते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे समुद्र में पाए जाएंगे, कोई भी आपको फ्रेश वाटर में नहीं दिखेगा, लैंड पर दिखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ऑल स्पीसीज आर फाउंड इन मैराइन एनवायरनमेंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मींस ये आसानी से अकेले तैरते हैं, इनको न कॉलोनी में रहने की जरूरत है न किसी सॉलिड सपोर्ट से अटैच रहने की जरूरत है। इससे पहले याद कीजिए जो पोडीफेरा था वो सबस्टेटम से जिंदगी भर अटैच रहता था, जो ये था क्या कहते हैं सिलिंट्राटा था उनमें पॉलिप और मेड्यूसा था, पॉलिप सेसाइल फॉर्म था, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग था, तो उसमें दो फॉर्म हो जाते थे। लेकिन टीनोफोरा के अंदर ऐसा कोई सेसाइल का सिस्टम नहीं है, सारे के सारे एनिमल्स, उसके जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे फ्री स्विमिंग होते हैं, सोलिटरी होते हैं, सोलिटरी कहने का मतलब अकेले रहते हैं। और ये कहां स्विम करते हैं, सी सरफेस पर, यानी ये ज्यादा गहराई में नहीं पाए जाते हैं, ये सी सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसे फ्रेजाइल भी इसीलिए कहा जाता है, वर्ड्स कई जगह पे आप देखोगे, हो सकता है किसी बुक में आप पढ़ोगे तो लिखा रहेगा फ्रेजाइल एनिमल्स, फ्रेजाइल मतलब होता है जो सी सरफेस पर तैरता है। तो आप इतना याद रखो ये सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, और ये फ्री स्विमिंग ऑन सी सरफेस, यानी इसके जितने भी मेंबर है वो सी सरफेस पर तैरने का काम करते हैं। अब बाकी चीजें जो कॉमन कॉमन बातें हैं, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें पता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर आ चुका है, लेकिन ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम ये सब नहीं होगा, सेल से टिश्यू बन चुका है, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट थिंग इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि इसके इम्ब्रियो में दो जर्म लेयर्स होंगे। कितने जर्म लेयर्स होंगे, दो जर्म लेयर्स होंगे, कौन कौन, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, मेसोडर्म एब्सेंट है, मेसोडर्म इनमें मौजूद नहीं है। कई कई किताबों में जब आप पढ़ोगे तो लिख दिया जाता है कि टीनोफोरा इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, कई किताबों में ये मिस्टेक रहता है, तो वो आपको घबराना नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर किसी किताब में टीनोफोरा को ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा गया तो वो मिस प्रिंटिंग है। ये अभी भी डिबेट होता है कई जगह पे, कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि टीनोफोरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन सच में ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। आपको सर ऐसा कंफ्यूजन आता क्यों है, तो देखो इक्टोडर्म इंडोडर्म है, इसके बॉडी को जब देखा गया, जब इसके बॉडी को देखा जाता है तो बॉडी में दो लेयर सेल्स हैं, जैसे कि सिलेंट्राटा में था एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस, तो इनके बॉडी में भी दो हैं और दोनों लेयर के बीच में मेजोगिलिया है जो कि सिलेंट्राटा में भी था, लेकिन इसके मेजोगिलिया में कुछ सेल्स होते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, इनमें मेजोडर्म आ चुका है, लेकिन आप याद रखोगे कि टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें दो ही जर्म लेयर्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी डिप्लोब्लास्टिक ही लिखता है तो आप इसे डिप्लोब्लास्टिक ही समझेंगे। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल से टिश्यू बन चुका है, डिप्लोब्लास्टिक है, यानी दो ही जर्म लेयर्स होंगे एम्ब्रियो लेवल पर, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एसिलोमेट होंगे, एसिलोमेट कहने का मतलब बॉडी के अंदर सिलोम नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है जब मेजोडर्म है ही नहीं तो सिलोम कहां से, मेजोडर्म से ही ना सिलोम आएगा, अभी तक मेजोडर्म ही नहीं आया तो सिलोम की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसके जितने भी मेंबर्स है वो एसिलोमेट है बाय रेडियल सिमेट्री। अब यहां देखने की बात है, यहां रेडियल है लेकिन उसमें बाय लगा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, बायलेटरल मत समझ लेना, बाय रेडियल, यानी इसके बॉडी के अंदर दो ऐसे प्लेन्स मिलेंगे जिससे उसे इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। रेडियल में क्या होता था, बहुत सारे प्लेन्स मिलते थे, बहुत सारे प्लेन्स, जैसे कि कितना भी प्लेन्स में काट सकते हैं, जैसे कि एक स्फीयर हो, इसके कितने ही प्लेन्स में इसको इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, लेकिन टीनोफोरा के मेंबर्स में बाय रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि इसके मेंबर के बॉडी के अंदर दो ऐसे आपको प्लेन्स मिलेंगे जिनसे उनके बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, दो ही प्लेन मिलेंगे, जिनमें एक मिलता है उन्हें बायलेटरल कहते हैं, जिनमें एक मिलता है उसे क्या कहते हैं, बायलेटरल, इनमें दो है इसीलिए हम कहते हैं बायरेडियल, क्या कहते हैं बायरेडियल, तो बायरेडियल सिमेट्री है इनमें। आई होप आपको ये सारे पिक्लियर फीचर समझ में आ गए होंगे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट एंड बायरेडियल सिमेट्री, ये सारी बातें तो हमें समझनी है, ये चार बातें, नोटोकॉड की तो बात ही नहीं करेंगे, पांच मैंने बताया था ना समझने के लिए, तो नोटोकॉड की तो भी बात ही नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट कोड डाटा में आएगा, इसको छोड़ देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमने इसे सबसे खूबसूरत क्यों कहा। देखो खूबसूरती का रीजन है तीन रीजन है, तीनों रीजन मैं समझाता हूं। सबसे पहली बात, इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, यानी आर पार, इनका बॉडी ऑपेक्यू नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, यानी सनलाइट इसके बॉडी को आर पार कर जाता है,
तो इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, इसकी खूबसूरती का पहला रीजन कि इसका ट्रांसपेरेंट बॉडी है। सेकेंड खूबसूरती का रीजन है बायोलुमिनेंस, क्या होता है बायोलुमिनेंस, यानी इनकी बॉडी से लाइट निकलता है, इसे लुमिनेंस मतलब होता है चमक, अब बायो मतलब खुद ब खुद का, यानी इनके बॉडी से चमक निकलता है, सोचो कितना खूबसूरत लगता होगा। तो पहला खूबसूरती का तीन रीजन मैंने बताया, पहला रीजन ट्रांसपेरेंट बॉडी, इसकी वजह से खूबसूरत है, दूसरा बायोलुमिनेंस, बॉडी से चमक निकल रहा है, और तीसरा रीजन है इसके खूबसूरती का कि जो इसके कॉम्प्लेक्स है ना, जो मैंने बताया था इसके बॉडी में ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स पे जब सन की रोशनी पड़ती है तो ये रेनबो जैसा फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स जो इसके बॉडी से 8 रोज कॉम्प्लेक्स निकली हुई है ना, उनपे जब सनलाइट गिरता है तो वो रेनबो जैसा चमकता है, इंद्रधनुष जैसा। तो कितना खूबसूरत लगेगा, सोचो तीन तीन चीजें, एक तो ट्रांसपेरेंट बॉडी, दूसरा बॉडी से लाइट निकल रहा है, और तीसरा जो सनलाइट पड़ रहा है। रात के समय तो खूबसूरत इसलिए लगेगा क्योंकि उसके बॉडी से लाइट निकलेगा, दिन के समय सोचो जब लाइट, जब पता नहीं चलेगा कि उससे लाइट निकल रहा है, उस समय उसके बॉडी पे जो लाइट पड़ेगा इसके कॉम्प्लेक्स पे, तो रेनबो जैसा फॉर्मेशन करेगा, तो कितना खूबसूरत लगेगा देखने में। यही रीजन है कि ये सबसे खूबसूरत माने जाते हैं। तो आपको समझ में आया, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, बायोलुमिनेंस है, बॉडी से चमक निकलती है, और इसके कॉम्प्लेक्स पे जब रोशनी पड़ती है सूरज की तो रेनबो जैसा फॉर्मेशन होता है। अब आगे बात करते हैं, इनके पास टेंटेकल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका जो क्लासिफिकेशन, यहां देखिए मैंने दो क्लासेस बताए हैं, इसी बेसिस पर होता है कि टेंटिकल्स हैं या नहीं है। तो इनके मेंबर्स के पास टेंटिकल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट और एबसेंट, लेकिन अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेज में लिखा रहता है, किताबों में लिख देता है टेंटिकल्स प्रेजेंट, टेंटिकल्स प्रेजेंट। लेकिन सच बात यह है कि टिनोफोरा के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें टेंटिकल्स नहीं होता है और उसको सेकेंड क्लास में रखा जाता है। तो आप ये मत गलती मत कीजिएगा, आप यही समझिए। हाँ, अगर कहीं पर लिखा हुआ हो कि टेंटिकल्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है, अगर ऑप्शन दिया हो तो आप डायरेक्ट प्रेजेंट में मार दीजिएगा, क्योंकि जनरली लोग प्रेजेंट समझते हैं इसको। कुछ चीजें होती है ना, किताबें जो लोअर लेवल की लिखी जाती हैं तो उतनी बातें नहीं समझता है वो। तो टेंटिकल्स प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेज में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें नहीं होता है, जिनको कि अलग क्लास में हम रखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब इनके बात करते हैं। नेमेटोसिस्ट, याद होगा आपको कि सिलिंट्राटा के बॉडी के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होते थे जिसे हम नेमेटोसिस्ट कहते थे, टॉक्सिन्स होता था जिससे कि वो अपने प्रे को पैरालाइज करके उसे खाता था। लेकिन ये भी कार्निवोरस है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कार्निवोरस, यानी ये भी हंट करेंगे, ये भी हंटिंग एनिमल्स हैं, यानी दूसरे को खाएंगे। लेकिन इनके पास नेमेटोसिस्ट नहीं है। तो फिर इनके पास क्या है, इनके पास कोलोब्लास्ट्स, इनके पास एक अलग तरह का सेल है जिसको कहा जाता है कोलोब्लास्ट्स। क्या कहा जाता है, कोलोब्लास्ट्स। कोलोब्लास्ट्स क्या होता है, कोलोब्लास्ट एडहेसिव सेल्स होते हैं, यानी ये चिपकने में मदद करते हैं। तो ये अपने फूड को क्या करेगा, कोलोब्लास्ट की मदद से पकड़ लेगा और फिर अपने माउथ में ले आएगा, समझ गए बात। तो ये चिपकने का काम करते किससे, कोलोब्लास्ट से। तो समझ में आ गया, इनके पास नेमेटोसिस्ट नहीं है, स्टिंगिंग सेल्स नहीं है, लेकिन इनके पास एडहेसिव सेल्स हैं, एडहेसिव सेल्स यानी चिपकने वाले सेल्स हैं जिसे हम कोलोब्लास्ट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कार्निवोरस समझ ही गए, हंटिंग करने का काम करेगा, हंट करके खाएगा। इसके बाद डाइजेशन की बात करें तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों हैं। इंट्रा एक्स्ट्रा कहने का मतलब कुछ डाइजेशन गट में होगा, कुछ डाइजेशन कहां होगा, सेल के अंदर होगा। मैं एक्स्ट्रा के लिए इंटरसेलुलर वर्ड भी आप यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर इंट्रा और एक्स्ट्रा, सुनने में अच्छा लगता है और कन्फ्यूजन भी कम होता है। मैं इंट्रा और इंटर लिखता था तो आप कन्फ्यूज होते थे, तो इंटर के जगह पे आप एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो, यानी सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और सेल के अंदर हो तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये भी आप याद रख सकते हो। इनका डाइजेशन पार्शियली है, पार्शियली इंट्रा है, पार्शियली एक्स्ट्रा है, जस्ट लाइक सिलिंट्राटा। सिलिंट्राटा में भी यही होता था, कुछ सेल के अंदर कुछ सेल के बाहर। नर्व नेट प्रेजेंट है, नर्व नेट प्रेजेंट कहने का मतलब इनके बॉडी के अंदर भी नर्व सेल्स का एक नेट बना हुआ है। ब्रेन उरेन प्रेजेंट नहीं है, अभी सिंपल नर्व सेल्स बॉडी के अंदर फैली हुई है जो कि नर्व नेट है, जो उसे सराउंडिंग का इन्फॉर्मेशन देगा और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा सराउंडिंग के हिसाब से। आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये पहला फाइलम है जो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इससे पहले आपने जो दो फाइलम पढ़े, पोरीफेरा और सिलिंट्राटा, उनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों था, लेकिन ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं, पहला ऐसा फाइलम है जिसमें सारे के सारा का रिप्रोडक्शन क्या है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई नहीं करता है, सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनते ही हमारे मन में आ जाता है मेल फीमेल है, कहाँ है, नहीं है। तो ये हर्माफ्रोडाइट है,
क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि मेल और फीमेल एक ही एनिमल के बॉडी के अंदर होगा, एक ही एनिमल के बॉडी के अंदर होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, जिसे हम मोनोसियस भी कहते हैं, कई जगह पे मोनोसियस लिखा रहता है, मोनोसियस एंड डाइसियस, मोनोसियस लिखा हुआ है यानी कि एक ही, मोनो मोनो मतलब एक, ईसियस यानी एक ही एनिमल के बॉडी के अंदर अगर दोनों सेक्स होंगे तो मोनोसियस कहलाता है, और डाइसियस मतलब हुआ दो अलग अलग एनिमल की बॉडी में अलग अलग सेक्स, समझ गए। तो ये मोनोसियस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, या इसे आप बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो, इनमें मेल फीमेल एक ही के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, गैमिट्स तो बन जाएगा एक ही बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा तो मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ज्यादातर मेंबर्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नहीं तो ज्यादातर मेंबर्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होगा, बॉडी के बाहर होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, कहने का मतलब क्या होंगे, लार्वा प्रेजेंट होंगे, लार्वा आपको दिखेंगे, यानी जब इसका जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से इसका लार्वा बनेगा, फिर लार्वा डेवलप करके एडल्ट में बदलेगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारे कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके दो क्लासेज हैं, कितने क्लासेज हैं, दो क्लासेज हैं, पहला क्लास कहलाता है टेंटाकुलाटा, टेंटाकुलाटा, एंड दूसरा क्लास कहलाता है न्यूडा। टेंटाकुलाटा उसे कहते हैं जिसके बॉडी में दो टेंटिकल्स होते हैं, कितने टेंटिकल्स होते हैं, दो टेंटिकल्स उसके बॉडी से निकले हुए होते हैं, और न्यूडा उसे कहते हैं जिनमें टेंटिकल्स होता ही नहीं है। मैंने मित्रों बताया ना इसके कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनमें टेंटिकल्स नहीं है, तो इसे हम न्यूडा कहते हैं। तो दो क्लासेज इसके इस फाइलम के अंदर है, टेंटाकुलाटा एंड न्यूडा। देखो छोटा सा तो फाइलम है, 100-150 के आसपास में स्पीसीज है, ज्यादा स्पीसीज है भी नहीं, तो फिर हम लोग इतना काहे करें। तो टेंटाकुलाटा जिसमें टेंटिकल्स हैं, और न्यूडा जिनमें टेंटिकल्स नहीं, जिनमें टेंटिकल्स नहीं, समझ में आ गया। तो ये सारी बातें हैं इसकी। अगर एग्जांपल की अगर बात करो कि सर एग्जांपल का इसका दे दीजिए, एग्जांपल क्या होगा, तो टेंटाकुलाटा में टिनोप्लाना याद रख लेना, टेंटाकुलाटा टिनोप्लाना याद रखने में, और इसमें ब्यूरा याद रख लेना, नोट में लिखा हुआ एग्जांपल सारा का सारा। और कॉम्ब जेलीज आप ये याद रखिएगा, जनरली आपसे यही पूछा जाएगा, कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट्स एंड सी गूजबेरीज, दीज आर द थ्री कॉमन नेम्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा मेंबर्स। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार तेजी में रिवाइज करवा देता हूँ। टिनोफोरा ऐसे एनिमल्स जिनके पास कॉम्प्लेक्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स, 8 रोज कॉम्प्लेक्स हैं, उन्हें टिनोफोरा के अंदर रखा जाता है। सारे मेंबर्स मेराइन हैं, फ्री स्विमिंग है, सी सरफेस पर तैरते हैं, इसलिए फेजाइल भी कहा जाता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, बायरेडियल सिमेट्री है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, बायोलुमिनेंस है, बॉडी चमकता है, और टेंटिकल्स प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेमेटोसिस्ट नहीं होता है, यानी कि वो टॉक्सिन वाले सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास एक दूसरे तरह के सेल्स होते हैं जिसे एडहेसिव सेल्स कहते हैं, जिसे हम कोलोब्लास्ट कहते हैं, और फिर ये कार्निवोरस होता है, ये हंट करके खाते हैं, डाइजेशन इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों है, यानी पार्शियली सेल के अंदर डाइजेशन होगा, पार्शियली सेल के बाहर थोड़ा सा डाइजेशन करके सेल के अंदर दिया जाएगा, और कंप्लीट डाइजेशन सेल के अंदर होगा। नर्वनेट प्रेजेंट होता है, यानी कि इनमें नर्वनेट होता है, यानी कि इनमें रिस्पॉन्स के लिए या सराउंडिंग को सेंस करने के लिए नर्व नेट होता है, ब्रेन नहीं होती है, नर्व सेल्स का एक सिस्टम होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। सारे मेंबर हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोसियस है, यानी कि बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल फीमेल एक ही एनिमल के अंदर होता है। मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी गैमिट्स बॉडी के बाहर मिलती हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट है, लार्वा पाया जाएगा। दो क्लासेज हैं, टेंटाकुलाटा एंड न्यूडा। टेंटाकुलाटा वो जिसमें टेंटिकल्स होते हैं, न्यूडा जिनमें टेंटिकल्स नहीं होते हैं, और टेंटिकल्स होते हैं तो कितने टेंटिकल्स होते हैं, दो टेंटिकल्स होते हैं, तो ये याद रखिएगा, ओके। और इसके बाद अभी एग्जाम्पल याद रखना चाहो तो टिनोप्लाना याद रख सकते हो, और ब्योरा याद रख सकते हो, या कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट्स एंड सी गूसबेरीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें। आई होप आपको ये फाइलम समझ में आया होगा, छोटा सा फाइलम है, आप ये याद रखिएगा, एनिमल किंगडम का सबसे छोटा फाइलम टिनोफोरा, और सबसे खूबसूरत स्पीसीज किस फाइलम में पाए जाते हैं, टिनोफोरा में। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा आपको पूरा लेक्चर। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।